हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अतुल एजुकेशन। आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ईयर्स 13 के अंदर जो कवर अप होता है। ये जो चैप्टर है हर एक स्टैंडर्ड में आपको मिल जाएगा, मीन्स जो टीवाई के सिलेबस है, टीवाई के सिलेबस में हर एक सिलेबस में आपको मिल जाएगा। जैसे आपको टीवाई बीकॉम में फाइनेंशियल अकाउंट में आपको मिल जाएगा, टीवाई बैप में भी ये चैप्टर है, टीवाई बीएमएस में भी ये चैप्टर है, इवन आपका कोई अदर भी कोर्सेस रहेगा उसके अंदर भी साथ से चैप्टर आपको रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का हम लोग आज बेसिक जस्ट एक बेसिक लेक्चर है, इंट्रोडक्शन पार्ट्स है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सबका सम सॉल्व करेंगे, जो भी रहेगा हम लोग को इसको स्टडी करने का उद्देश्य हम लोग स्टडी करेंगे। तो चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ईयर 13 है, ठीक है। अभी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग होता क्या है पूरा हम लोग देखते हैं, एक करके सिस्टमेटिक वे से हम लोग इसको देखते हैं। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यदि वीडियो आपको पसंद आए, लास्ट तक देखिए, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो हम लोग चैप्टर है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, और यदि आपको किसी और भी चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अभी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, अभी देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग होता क्या, सिंपल सी बात है। यहाँ पे मान लो पब्लिक है, ठीक है, या आप हो या मैं हो, ठीक है, मान लो मैं हूँ, देखो इतना अच्छा शक्ल है, ठीक है, एक और मैं हूँ, जाने तो मैं रहता हूँ, ठीक है। ये मान लो पब्लिक है, या मान लेते इसको मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स के पास कितना, 1 लाख रुपए है, ठीक है। अभी 1 लाख रुपए मिस्टर एक्स के पास है, अभी एक्स इसको क्या कर सकता है, 1 लाख रुपए रखा है, 1 लाख रुपए को जैसे जेब में रखे रहे, घर पे पड़ा रहे पैसा, एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, 1 लाख रुपए जाके वो बैंक में जमा कर दे, बैंक में जमा करना करने में बेनिफिट है कि घर पे रखने में पैसे का बेनिफिट है, सिंपल सी बात है। यदि वो पैसा हम लोग बैंक में जमा करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलेगा बच्चा। यदि हम लोग वो पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो या तो पैसे को हम लोग घर पे रखते हैं या पैसे को मैं बैंक में डिपोजिट कर दूं, अदरवाइज ये पैसे को हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि मैं पैसे को घर पे रखता हूँ, ठीक है, कुछ नहीं करता हूँ, ऐसे जस्ट ऐसे घर पे रखे रहता हूँ, तो कोई बेनिफिट मिलने वाला मुझे, कुछ फायदा होगा क्या, कुछ नहीं होने वाला है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो मिस्टर ए के पास 1 लाख रुपए, इसने पैसे को जाके बैंक में डिपोजिट कर दिया, यहाँ पे गया बैंक में डिपोजिट कर दिया, किसी भी बैंक में डिपोजिट कर सकता है, ठीक है, स्टेट बैंक में या स्टेट बैंक में, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, किसी भी एक बैंक में जाके मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपए वहां पे डिपॉजिट कर दिया, इसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। कितना परसेंट मिल सकता है, 6% मिल सकता है, 5% मिल सकता है, या 7% ज्यादा मिल सकता है। तो अभी क्या होगा, कैसे जो 6% 5% 7% पर एनम का मिलेगा, फुल ईयर पूरे साल भर में उसको इतना इंटरेस्ट मिलने वाला है। एज ए कंपेयर अमाउंट घर पे रखने से अच्छा वो अमाउंट को किसी बैंक में डिपॉजिट करना बेस्ट है कि नहीं है, है सिंपल सी बात है। हाँ, लेकिन यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको इन्वेस्टमेंट की बातें आपने सुना रहेगा, आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में कभी न कभी सुना रहेगा। यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट आप नहीं हो तो भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में आज समझ जाओगे कि इन्वेस्टमेंट होता क्या एक्चुअली में। तभी देखो यहाँ पे मिस्टर एक्स के पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए के या तो उसने अपने घर पे रख दे तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं था, अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, इंटरेस्ट मिल रहा था, बहुत अच्छी बात है। या थर्ड ऑप्शन है, ये पैसे को 1 लाख रुपए को इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या है सर, आप लोग पूछोगे सर ये इन्वेस्टमेंट क्या है, कैसे इन्वेस्टमेंट कर दे, तो मैं आपको बताता हूं। एक कंपनी है, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे एक कंपनी है, कंपनी का नाम है अतुल एजुकेशन। एक कंपनी है, एक कंपनी ने क्या किया, सिक्योरिटी इशू करती है, सिक्योरिटी देती है लोगों को, सिक्योरिटी लोगों को बांटती है, लोगों को देती है, सिक्योरिटी क्या करती है, इशू करती है, सिक्योरिटी क्या करती है, इशू करती है। अब ये सिक्योरिटी मीन्स क्या होता है, मीन्स मिस्टर एक्स के पास क्या करना है, इसको इन्वेस्टमेंट करना है, मिस्टर एक्स इन्वेस्टमेंट के तौर पर सिक्योरिटी बाय करेगा, क्या करेगा, बाय करेगा मीन्स खरीद लेगा, सिक्योरिटीज खरीद लेगा, किससे, ये जो कंपनी है अतुल एजुकेशन लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, एक कंपनी से मिस्टर एक्स क्या करेगा, 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए कंपनी को देगा और इसके बदले में सिक्योरिटीज खरीद लेगा,
सिक्योरिटीज क्या होता है, तो मैं सिक्योरिटीज को पहले यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, बाद में इसको डिटेल में हम देखते हैं। सिक्योरिटीज में दो तरीके की सिक्योरिटीज ले सकता है मिस्टर एक्स, या तो फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी ले सकता है, फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी, या फिर फ्लक्चुएट इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी। मिस्टर एक्स क्या कर सकता है, कंपनी से सिक्योरिटी बाय करेगा, सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रहा किसमें, सिक्योरिटीज में। वो सिक्योरिटी कौन सी सिक्योरिटी ले सकता है, फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी ले सकता है या फ्लक्चुएट इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी ले सकता है। दोनों का मतलब क्या है, यदि मिस्टर एक्स फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी खरीद रहा है, मिस्टर एक्स क्या कर रहा है, फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी खरीद रहा है, तो मिस्टर एक्स को क्या मिलेगा, फिक्स रेट में इनकम मिलेगा, हर मंथ मिल सकता है, हाफ ईयर मिल सकता है, ईयरली मिल सकता है, लेकिन कैसा मिलेगा, फिक्स में मिलेगा, उसको डर नहीं रहेगा। 1,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया, यदि उसने 12% वाली सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसको साल भर के 12,000 इनकम फिक्स रेट में मिलेंगे। फ्लक्चुएट मीन्स क्या, वो आपका इनकम फिक्स नहीं, कभी आपको ज्यादा भी मिल सकता है, कभी वो इनकम आपको कम भी मिल सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है आपको इनकम ना मिले। तो सिक्योरिटीज दो टाइप्स के होते हैं, एक हम लोग को फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी, दूसरा फ्लक्चुएट इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज। तो आप लोग इसको लिख लो यहाँ पे, इसके बाद हम लोग सिक्योरिटीज से वापस स्टार्ट करके हम लोग डिटेल में देखते हैं कि सिक्योरिटी फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज और फ्लक्चुएट इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज क्या होती है। आई थिंक आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया रहेगा, चलो ठीक है, मैं इसे रब कर देता हूँ। बहुत अच्छा चैप्टर है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ोगे तो आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं यहाँ पे एग्जाम में। यदि आपको चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहे तो मुझे कमेंट कर सकते हो, आप कमेंट करिए, उससे जो भी डाउट रहेगा मैं डाउट को सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। अभी देखो सिक्योरिटीज मीन्स क्या, अभी सिक्योरिटीज में आपको वापस से समझा रहा हूं, कोई भी पर्सन कहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सिक्योरिटीज दो टाइप्स की सिक्योरिटीज की बात कर रहा था मैंने, एक सिक्योरिटीज का नाम था फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी, फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज, दूसरा हम लोग करेगा फ्लक्चुएट इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी। हम लोग फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी और फ्लक्चुएट इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको भी इन्वेस्टमेंट करना है, आप भी किसी कंपनी के दो टाइप्स की सिक्योरिटी में से किसी भी एक सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी यदि आपने फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज बाय कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, फिक्स रेट में इंटरेस्ट मिलेगा। आप क्या करोगे, कंपनी को फंड दोगे, आप कंपनी को पैसा दोगे, कंपनी आपके प्रूफ के तौर पर, एक्नॉलेजमेंट के तौर पर एक पेपर देगी, एक्नॉलेजमेंट देगी, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको एज ए प्रूफ के तौर पे, एक्नॉलेजमेंट के तौर पे आपको देगी, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कंपनी के क्या बन गए हो, क्रेडिटर बन गए हो, कंपनी आपका फंड लेके यूज कर रही है, बाद में फंड यूज करने के बदले में इनकम के तौर पे कंपनी आपको क्या देने वाली है, इंटरेस्ट देने वाली है। तो फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज क्या क्या होता है, मैं आपको दोनों यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले इसको दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, एक आपका डिबेंचर ले सकते हो किसी कंपनी का, दूसरा गवर्नमेंट बॉन्ड्स। आप क्या ले सकते हो, डिबेंचर ले सकते हो या गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले सकते हो, मीन्स आप किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद सकते हो या गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हो। दोनों है क्या, दोनों कुछ नहीं, जस्ट एक प्रूफ है, एक्नॉलेजमेंट के तौर पे आपको मिलेगा कि आप कंपनी को पैसा दिए हो, और पैसा देने के बाद, कंपनी को फंड देने के बाद, कंपनी की आप क्या बन गए हो, क्रेडिटर बन गए हो। कंपनी इसके बदले में आपको फिक्स रेट में इंटरेस्ट पेमेंट करने वाली है। वो इंटरेस्ट आपको मंथली बेस पे हो सकता है, 6 मंथ का हो सकता है, 3 मंथ का हो सकता है, इवन ईयरली बेस के भी हो सकता है। आपको कंपनी क्या देने वाली है, आपका फंड लेके कंपनी यूज करेगी, और कंपनी आपके फंड यूज करने के बदले में आपको इनकम के तौर पे इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो इंटरेस्ट रहेगा एज ए कंपेयर बैंक में जो आपने पैसा डिपॉजिट कर रहे थे उसके कंपेयर में हाइयर रहता है, ज्यादा रहता है। मीन्स ये जो इंटरेस्ट रेट रहेगा हो सकता है 6% हो सकता है, 8% हो सकता है, 10% 12% 15 इवन हो 20% भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पे आपको इनकम के तौर पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे आपका पैसा सिक्योर्ड है, पैसा डूबने का चांसेस बहुत ही मिनिमम है।
आपको 98% चांसेस से आपका फंड रिफंड मिल जाएगा। कंपनी जैसे ही आपका पैसा लेगी आपको एज एक्नॉलेजमेंट के तौर पे आपको डिबेंचर मिल जाएगा। आप कंपनी आपका फंड यूज करेगी और आपका फंड क्या करेगी, यूज करने के बाद रिफंड कर देगी। जब तक कंपनी आपका फंड यूज कर रही है तब तक आपको इनकम के तौर पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल सर, आप फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा आता है आप क्या कर सकते हो, फ्लक्चुएट इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहां से आपको क्या खरीदना पड़ता है, कंपनी के शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। आप कंपनी के शेयर्स खरीदोगे, यहां पे भी आपने डिबेंचर खरीदा तो आप कंपनी के क्या बन गए हो, क्रेडिटर बन गए हो। आप कंपनी को उधारी में पैसा दे रहे हो। बट यदि आपने यहां पे क्या खरीद रहे हो, यदि आपने कंपनी के शेयर खरीद रहे हो तो आप कंपनी के क्या बन गए हो, ओनर बन गए हो। आप कंपनी क्या बन गए हो, मालिक बन गए हो। आप कंपनी क्या बन गए हो, मालिक बन गए हो। यहां पे आपको कंपनी को जैसा प्रॉफिट होगा उसके बेस पे आपको इनकम मिलेगा। ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा आपको शेयर्स रहेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कम प्रॉफिट होगा तो कम, इवन लॉस होगा तो लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे क्या बन गए हो, ओनर बन गए हो। यहाँ पे इनकम के तौर पे जो मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड। बट आप कंपनी के शेयर बाय करने से आप कंपनी के क्या बन गए हो, शेयर होल्डर बन गए हो। आप कंपनी का शेयर बाय कर रहे हो, आप कंपनी के क्या बन गए हो, शेयर होल्डर बन गए हो। शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, आप कंपनी के क्या बन गए हो, मालिक। आप कंपनी के कौन हो, ओनर हो। तो यदि कंपनी को प्रॉफिट होगा तो भी आपको बेयर करना पड़ेगा, लॉस होगा तो भी बेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे इनकम कैसा है, फ्लक्चुएट रेट में है। यहाँ पे आपका पैसा डूबने का चांसेस रहते हैं बट यहाँ पे आपका पैसा क्या है, सेव है। बट यहाँ पे आपको इनकम के तौर पे क्या मिला है, इंटरेस्ट। आप कंपनी के क्या बन जा रहे हो, क्रेडिटर बन जा रहे हो। बट शेयर होल्डर के और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। शेयर होल्डर को बोनस शेयर का बेनिफिट मिलता है, राइट शेयर का बेनिफिट मिलता है, तो ये सब चीजें रहती है। तो आपको जो एग्जाम रहेगा, एग्जाम में आपको दोनों टाइप में से कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अदरवाइज आपको दोनों टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको पूरे चैप्टर में ये दो टाइप्स में आपको स्टडी करना है, एक डिबेंचर से रिलेटेड मींस फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी से रिलेटेड सम कैसे सॉल्व करने हैं, दूसरा हम लोग को फ्लक्चुएट इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी से रिलेटेड सम कैसे सॉल्व करने हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका यहाँ पे फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज का हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, कैसे फॉर्मेट बनता है, कैसे सम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, सम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।